हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 ट्रिक्स के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक नंबर 1 से। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 ग्लूवॉल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमने पहले ग्लूवॉल डाले थे, वो अभी ख़राब हो गए। तो हमने ऐसे यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि आपको ग्लूवॉल किस तरीके से डालने हैं। तो ये ग्लूवॉल आपको थोड़ा ध्यान से डालने होंगे, क्योंकि आपको इनके ऊपर फिर बाद में जंप भी करना है। तो यहाँ पे आके आपको आप जंप कर सकते हो इनके ऊपर, आप स्कोप ऑन करके भी इनके ऊपर चढ़ सकते हो। तो आप वीडियो में देख सकते हो, हम यहाँ पे इनके ऊपर आ गए हैं ग्लूवॉल के ऊपर। 3 ग्लूवॉल की ज़रूरत आपको पड़ेगी इस मिल के पास। तो यहाँ पे आप अपना स्कोप ऑन करके भी ऊपर चढ़ सकते हो। फिर आपको इस ट्री की तरफ जो है एक जंप करना है। तो जो आप यहाँ पे एक जंप करोगे, ये ट्रिक आप क्लैश स्क्वाड में भी ट्राई कर सकते हो। क्लैश स्क्वाड में भी ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है, आप वीडियो में देख सकते हो। मैं इस ट्री के ऊपर आ गया और यहाँ से आप किसी भी बंदे को आराम से नॉक कर सकते हो। अगर मिल पर ज़्यादा बंदे उतरे हैं, आप क्लासिक या रैंकड गेम खेल रहे हो, तो यहाँ से आप उनको आराम से नॉक कर सकते हो और उनको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आप बात करते हैं आज की ट्रिक नंबर 2 के बारे में, जिसके लिए आपको समुराई गार्डन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ इस जगह पे अगर आप थोड़ी सी लूट छोड़ोगे, फिर अगर यहाँ पे आप लैंडमाइन लगाओगे, तो जो लैंडमाइन है पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएगी। लूट हम यहाँ इसलिए छोड़ते हैं कि ताकि जो कोई बंदा आए यहाँ पे, तो थोड़ा एक सेकंड के लिए वहाँ पे रुक जाए, और अगर वो वहाँ पे रुक गए एक सेकंड के लिए तो सीधा नॉक हो सकता है। और अगर आप सोलो खेल रहे हो, सोलो रैंक पुश कर रहे हो, तो आपको मुफ्त में एक किल मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। आप वीडियो में देख सकते हो, मतलब मैंने 3 लेवल का वेस्ट भी पहना था, वो भी पूरा ख़त्म हो गया, और जो मैं मतलब जो मेरा हेल्थ था मेरा हेल्थ भी पूरा चला गया है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो और मुफ्त में एक किल ले सकते हो। कभी भी आपके पास लैंडमैन हो तो आप उसको ऐसे वेस्ट ना करें। तो चलिए आप बात करते हैं आज की ट्रिक नंबर 3 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी गन का जो रेट ऑफ फायर है वो कैसे बढ़ा सकते हो। तो जैसा वीडियो में देख सकते हो, मेरे पास नॉर्मल M14 है, तो उसका जो आपको रेट ऑफ फायर है वो तो पता ही होगा कि मतलब एक एक गोली निकलता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर आप कुछ यूज़ कर सकते हो, जैसे ये मशरूम यहाँ पर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस करोगे और लेफ्ट वाला फायर बटन जो है वो दबा के रखोगे, तो आपके गन का जो रेट ऑफ फायर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप वीडियो में भी देख सकते हो, मेरे पास नॉर्मल M14 है। तो इस ट्रिक को आप ट्राई कर सकते हो और अपने गन का जो है रेट ऑफ फायर बढ़ा सकते हो। जैसे SKS है या वुडपेकर है, उनका बहुत ज़्यादा रेट ऑफ फायर कम है, तो उस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो। अगर कभी आपके पास मशरूम आ जाए तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, या कहीं आपके पास जोन का, जैसे हम जोन देखते हैं या जिससे हम अपना वेस्ट आर्मर अपग्रेड करते हैं, तो उस जगह पे आप ट्राई कर सकते हो। जैसा वीडियो में देख सकते हो, आपको यूज़ बटन पे प्रेस करना है और लेफ्ट वाला फायर बटन जो है वो दबा के रखना है। तो आपका जो मैगजीन है, गन का मैगजीन, वो 5 सेकंड में पूरा खाली हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।